एक राजा महल में क्या रसमलाई, क्या गुलाब जामुन, क्या थाट, क्या बाट, केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही। रसमलाई, गुलाब जामुन, पेड़ा इमरती बालूशाही, लड्डू, बुंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोती पाक, रसमलाई खाने वाला शिकार में गया और रास्ता भटक गया। क्या हो गया? अब रास्ता भटक गया, सोचता है कि कहीं रोटी मिले तो खा लूं, कहीं पानी मिले तो पी लूं, लेकिन शाम हो गई कुछ नहीं मिला। रात में जंगल के किसी वृक्ष के ऊपर, क्यों नीचे कोई जंगली जानवर आके परेशान नहीं कर दे, किसी वृक्ष के साके पर बैठ के रात गुजारा। पूरी रात नींद नहीं, न दिन में खाना नहीं, रोटी नहीं। अगले दिन हुआ, अगले दिन भटकना पड़ा, क्योंकि उसके साथ आई हुई पूरी सेना कहीं रास्ता भटक गई और ये अकेला हो गया। दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन कहीं एक झोपड़ा दिखा, उधर जाके झोपड़े में थका हुआ चार दिन का। क्या राजा अठम तप कर सकता है? राजा तेला कर सकता है? वो तो हमारी ललिता कांकरिया है, जिसकी ताकत है जो एक दिन भूखी रेवे, दूसरे दिन खावे, तीसरी दिन भूखी रेवे। बर्शी तप करना कोई हाथ की बात, तमाशे की बात नहीं है। चार दिन से जो जिंदगी भर मखमल के कंबल पर सोने वाला, सोने की थाली में खाने वाला, गुलाब जल को पीने वाला और जरी का कपड़ा पहनने वाला राजा, फटा कपड़ा पहना हुआ, नंग धड़ंग भूख मर के कहीं झोपड़े में पहुंचा। झोपड़े में एक आदमी उसको देख के बोलता है, पधारिए पधारिए, आप अतिथि हो, देखो आप किसके यहाँ जा रहे हो वो मायना नहीं रखता है, जिसके यहाँ आप गए वो आपकी आओ भगत कैसे करता है ये मायना रखता है। अगर आप एक सेठ के घर गए, उसने आपको पूछा तक नहीं, और आप एक गरीब के घर गए जहां हर एक कदम पर आपका सम्मान हो रहा है, तो अगली बार वापस आप कहां जाने की इच्छा रखोगे? राजमहल है तो उसका है, अपना क्या है? अपने तो जहां सम्मान मिले, जहां इज्जत मिले, वहां जाना चाहिए। राजमहल को क्या चाटोगे? जहां सम्मान मिले वहां जाएं। राजा को उस झोपड़े में देखा हुआ आदमी हाथ जोड़ के कहता है, राजा साहब पधारो, मैं तो छोटो गरीब हूं सा, मारे कन कहीं आप पधार गया, आ टूटी फूटी खाट है, मारे कन कहीं है सा, मैं तो बाजरी रोटो भी रोज नहीं बनाऊ राजा साहब, क्योंकि माने एड़ा छुला रहा व्यवस्था है कोनी, कदी एक दिन लकड़ियां लावा ने एक चार पांच थप्पी बनाए रखदा, हाथ दिन तक खावा। अब राजा बोलता, अरे ज्यादा बोल मत भाई, भूख लगी। उसको मालूम है जिसको भूख लगी हो, वो कहता ज्यादा बात मत कर, जो है वो दे। एक मट्टी के कसूरे में दो छह दिन पुरानी बाजरी के रोटे, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है। पास में जो नीम का वृक्ष था, उस नीम के वृक्ष से 10 पत्ते तोड़ के लाया दौड़े दौड़े, कौन जंगली, अब वो जंगल में कौन सा मैगी सॉस, टोमेटो सॉस, सिल्ली सॉस, अरे सिल्ली सॉस के साथ ही खाएंगे, अरे मैगी सॉस के साथ, अरे लकड़े में जाओगे ना मैगी मौगी है सब खागी रह जाएगी, और जो रहेगा लकड़ी का त्योहार। वो जंगली देखता है कि राजा साहब को कोरे रोटे खिलाऊंगा क्या, कुछ तो सब्जी होनी चाहिए, हम तो जंगली हैं कैसे भी चलेगा, क्या राजा अपने आप एक कोरी रोटी खाएगा? खाएगा तो क्या करूं, कुछ चटनी तो बननी चाहिए। अभी चटनी के लिए क्या धनिया पत्ती लाऊं, ये जंगल में धनिया पत्ती मिले, वे बहनों को थोड़ी मोटी धनिया पत्ती लेके आ जाए पति, थाने तो बुद्धि है ही कोनी, बुद्धि बहती तो एड़े सूखेड़ी ये पत्तियां लेना आता। वो कहता तो बुद्धि होती तो तेरे को ही क्यों लाता, ये पत्ती तो बाद में लाता, इतनी बुद्धि होती तो सिलेक्शन तेरा ही ढंग का करता ना, तुझे क्यों लाता भाई, जब बुद्धि नहीं है तू बोलती है तभी तू आई मेरे साथ, वरना क्यों आती भाई। हाँ तो अब वो जंगली सोचता है कि चटनी क्या बनाए, काचरीरी चटनी जंगल में कटू लाऊं, लावीचे तो दड़े दड़े दौड़ा, देखा कि नीम का वृक्ष,
क्या वृक्ष? नीम का वृक्ष। नीम के वृक्ष से 10-20 पत्ती तोड़ ली। घर आया, एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ जिस पर हर चीज पिसता है माँ, उस पर रखा नीम का पत्ती, पीस दिया फटाफट। ला अभी भाई, हरे हरे धनिया, हरी हरी नीम, पत्ती पीस के उसका एक बना दिया छोटा सा एक लड्डू का गोला, ला के रोटी के साथ रख दिया कि ये ताजी चटनी, आ ताजी रोटो, रोटो ताजो 6 दिन पहली रो। चटनी देखे तो बहुत भारी, जिसमें न तो नमक पड़ा, न जीरा पड़ा, न कोई मिर्च पड़ी, किससे पीसी हुई है? पत्थर से। जंगली को मन में लगे कि अरे नीम की चटनी और ये सूखी रोटी, राजा क्या बोलेगा? अब राजा अपने दरबार में 16 प्रकार की चटनी और 36 प्रकार के अचार के बगैर थाली में हाथ नहीं डाले। लेकिन आज उसको क्या चटनी मिल गई रे भाई? नीम की, नीम की चटनी। तुमको दूं नीम की चटनी, समझ बढ़ जाए, अभी खाए हुए हो। राजा उस रोटी को तोड़ रहा है, तोड़े तो टूटे रोटी तो देखूं, क्योंकि रोटी भी 6 दिन पहले की, तोड़ने के लिए शक्ति भी जंगली जैसी चाहिए, राजा के हाथ से टूटती नहीं है। हाँ? अब वो जंगली राजा को कहता है, महाराज ये आपकी वश की बात नहीं, मैं आपने खिलाऊं कहीं? अरे राजमहल में पत्नी बोलती है आपको खिलाऊं तो दम दिखाने वाला है, तू कहीं मने खिलाए, अपने आप खाऊं। अभी रोटा तोड़ नहीं सकता, कभी जिंदगी में पत्नी के हाथ का भी नहीं खाया, ये 1 महीने से नाया नहीं है, जंगली रोटी तोड़ रहा है ना, उस राजा के मुंह में थोड़ा चटनी लगा के मुंह में रखा, एकदम खारा नीम, ऐसा खारा के खाओ तो 10 बार उल्टी होवे। लेकिन ये 4 दिन का भूखा राजा, जैसे ही वो नीम की चटनी और सोगरे का सूखा रोटा, जैसे कोई हो गोबर का खंडा हो, ऐसे अंदर जा रहा है, पहला कौवा जाते ही राजा बोलता है, वाह ऐसा जिंदगी में मैंने खाया ही नहीं, ये रस देखा ही नहीं। खाना थाली में इसलिए स्वाद नहीं लगता, भूख लगेगा तब वो स्वाद लगता है। समय का फेर, भोजन की रुचि भूख से है, नींद की रुचि नींद से है। अगर नींद नहीं आ रही है तो सोने के पलंग में भी बैठो न भाई। नींद नहीं आ रही है, इधर उधर लुढ़क रहा है, उसको पलंग भी चुभ रहा है, और जिसको नींद आए उन गरीब को देखो प्लेटफॉर्म में भी मजा ले रहे हैं उनकी जिंदगी। ईश्वर से वस्तुओं की प्रार्थना मत करो कि मुझे सोने का पलंग दे दो, प्रार्थना करने सीखो कि प्रभु मुझे पहले नींद दो अच्छी, जिससे मैं स्वस्थ रहूं, प्रभु मुझे भूख दो ऐसा जिससे मेरी आत्मा किसी भी वस्तु को पचा के स्वस्थ रहे। खाना लाक आ गया, सेठ साहब थाली मांड के बैठे हैं, पत्नी को बोलते हैं, मैंने शपथ लिया था कि सोने की थाली घर में आएगी तभी मैं बादाम का हलवा खाऊंगा, जब तक नहीं खाऊंगा प्रण लिया था, त्रिशला आज आ गई सोने की थाली, अब ला तू बादाम का हलवा, दुनिया को बता दूंगा कि सेठ सोने की थाली में बादाम का हलवा खाते हैं। पत्नी सोचती है कि कौन सो पति फूट रो लागे, स्टील रो थाली लावे विमला, के सोनारो थाली कौन सो पति अच्छो लागे? हाँ सोनारो, देखो आई बोले, पति अच्छो नहीं लागे, थाली अच्छो लागे। पैसो छन छना छन छन नन छन नन बाजे रे इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे, पैसो छन छना छन छन नन छन नन बाजे रे इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया